पॉजिटिव्स पाकिस्तान के लिए बहुत है। पहले तो ये मुबारक कि आज आप नंबर वन ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड बन गए हो, बाबर आजम नंबर वन ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान नंबर वन ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड। सवाल आपके लिए भी है कि बाबर आजम से पूछा जाए कि भाई जहां पर मुजीब ऑलमोस्ट 172 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट क्या उससे ज्यादा से खेल रहा है, कि आपके स्पिनर्स लग नहीं रहे इतने तगड़े, लेकिन आज नवाज ने फाइनली 2 विकेट ली, शादाब ने 3 विकेट ले ली। शादाब अच्छे बॉलर है, काफी टाइम से वनडे में वैसा ना बैटिंग हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी, अब शादाब ने बैटिंग भी कर ली पिछले मैच में और बॉलिंग भी कर ली इस मैच में, मतलब 3 विकेट भी आ गई, तो वो भी कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप फहीम अशरफ को लाए थे, उसने जो एंड में रन खा लिए, 2 विकेट भी नहीं शुरू में, लेकिन एंड में जो 2 रन खा गया, जो छक्का 2 छक्के और 1 चौका मार दिया उसको मुजीब ने, शायद बाबर आजम इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, वहां पे नसीम का ही बनेगा, और मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग करा दी, ठीक है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो है कि ओडीआई सीरीज का 3रा मैच भी अपने नाम कर लिया है। पहले मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 59 रन पर ऑल आउट कर दिया, दूसरे मैच में नसीम शाह ने जो है कि हिस्ट्री रिपीट कर दी, और आज तीसरे मैच में जो है कि पाकिस्तान ने फिर 59 रन से जो है कि अफगानिस्तान को हरा दिया है, और मैच बहुत ही अच्छा गुजरा है, तो 3 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात है।